मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने दिल्ली के उन सभी कार्यकर्ताओं का जो भारतीय जनता पार्टी के झंडे में हिंदुस्तान का सुंदर भविष्य देखते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ उन सभी कार्यकर्ताओं का दिल्ली के जो कभी भी अन्याय सहने के लिए एक पल भी तैयार नहीं होते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने बड़े भाई और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी का, जिन्होंने दिल्ली के हमारे लोगों को इस बात का आह्वान किया कि आओ राजघाट पे आते हैं। आदरणीय कैलाश जी, आपने तो हमें दिल्ली में ही बुलाया, अगर कल आप हमको बसीरहाट में भी बुलाएंगे तो दिल्ली के कार्यकर्ता वहां जाने को तैयार हैं। रूपा जी, आपकी बातों में जो दर्द आज हम लोगों के मन में प्रतिष्ठापित हुआ है, हम आपको रूपा जी विश्वास दिला सकते हैं। इस बात का आप विश्वास रखिएगा कि ये जो लोग यहाँ इकट्ठे हैं आज सैकड़ों की संख्या में, वो राष्ट्रवादी लोग हैं। ये सिर्फ इकट्ठा होना नहीं जानते, जरूरत पड़ेगी तो इस देश के राष्ट्रवाद के लिए अपना प्राणों की आहुति दे देंगे, ऐसे लोग हैं। मैं सौभाग्यशाली हूं, मैं इस दिल्ली बीजेपी प्रदेश का अध्यक्ष हूं, ये मेरा सौभाग्य है। हमारे बड़े भाई डॉक्टर हर्षवर्धन जी यहां बैठे हैं, हमारी बहन मीनाक्षी जी बैठी हैं, हमारे भाई रमेश विधोड़ी जी बैठे हैं सांसद। मैं देख रहा हूं हमारे सभी जिलों के जिलाध्यक्ष भी हैं, हमारी बहने हैं। इन सारी बहनों को कोई हमने बहुत बड़ी पोस्ट नहीं दी है, और ये सूचना तो कल मिली कि रूपा गांगुली जी, कैलाश विजयवर्गीय जी और हमारी बड़ी बहन स्मृति ईरानी जी आज यहाँ पे बंगाल का दर्द लेकर के आएंगे। सिर्फ पता चला, कन्फर्म भी नहीं हो रहा था। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, धन्यवाद देने के साथ साथ स्मृति ईरानी दीदी को मैं विश्वास दिलाता हूं, जो आपने वर्णन किया है वो दिल्ली के लोगों के भी दिमाग में और इस हमारी मीडिया के मार्फत, ये दिल्ली की मीडिया किसी से डरने वाली मीडिया नहीं है, ये वो मीडिया है यहाँ की दिल्ली की, जरूरत पड़ती है तो कारगिल में बरसते गोलों के बीच भी अपना कार्य करके आती है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने स्मृति दीदी, आपने श्री कैलाश विजयवर्गीय भैया जी, आपने रूपा जी, आपने आपने हम लोगों के मन में जो बात रखी है मीडिया के मार्फत जहां जहां गया होगा, लेकिन हम लोग इसको, जितने लोग यहाँ पे हैं वो इतने विवेकवान हैं कि इस दर्द को दिल्ली ही नहीं, दिल्ली तो मिनी भारत है, हर हम दिल्ली के गली गली और जो जहां से आया है दिल्ली में वहां वहां बताएंगे कि पश्चिम बंगाल को ममता बनर्जी जी ने जो हालत करी है, ममता बनर्जी, अब आपको कोई दीदी कहने वाला इस देश में नहीं मिलेगा। आपके नाम पे लोग किस प्रकार का एक्सप्रेशन दे रहे हैं अभी आप देख सकते हैं कहीं भी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। दीदी, आपके साथ ही मैं जब प्रचार करने जाता था, एयरपोर्ट उतरने के बाद आप कहीं और जाती थी, कहीं रूपा गांगुली से मुलाकात होती थी, मैंने तो अपनी आंखों से देखा, आंखों से देखा कि भीड़ लगी हुई है 10,000 की, स्मृति ईरानी पहुंच रही है तो 10,000 की, 15,000 की, 20,000 की भीड़ है, रूपा गांगुली जी जा रही है वहां पे लोगों की संख्या बहुत संख्या है,
हजारों की संख्या में लोग खड़े हैं, हम जा रहे प्रचार करने। मैंने 10-10 हजार, 15-15 हजार लोगों को देखा। मैंने पूछा यहाँ बीजेपी जीतती है क्या, तो पता चला कि नहीं सर, हम लोग चाहे भी तो वोट नहीं दे सकते, क्योंकि वोट के दिन कोई छुरा लेके हमारे दरवाजे पे खड़ा होता है, हमारा वोटर आईडी छीन लिया जाता है और कहा जाता है घर में रहो तुम्हारा वोट पोल हो जाएगा। और ऐसे वोटों से ममता बनर्जी जैसी सरकार बनती है, उससे उसके सत्य को देखा है हमने। हम कहां कहां गए, हम टीटागढ़ गए, हम बसीरहाट गए, खड़गपुर गए, रिसड़ा गए, हर जगह के लोगों ने यही बताया, भैया हम वोट देना चाहते हैं। हर जगह से यही आवाज सुनाई दी कि हम लोगों को सुरक्षा दिला दो, हम लोग वोट देने को तैयार हैं। वहां लोग राष्ट्रवाद के साथ जुड़े हैं। जब हम कहते हैं मातरम मातरम वंदे मातरम, हम जब गाते हैं अपने सुर में गाते हैं, कभी भी जब मन कहीं बैठते हैं, हम जब वंदे मातरम गाते हैं एक साथ सुर मिलाकर, वंदे मातरम, ये किसने लिखा? बंगाल की धरती के बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने इस गीत को लिखा। अभी दीदी बोल रही थी राष्ट्रगान, जिस पर हमारे देश के जवान शहीद होने को तैयार होते हैं, वो रविंद्रनाथ टैगोर हमारे दादा ने लिखा बंगाल की धरती से। कैलाशपति जी याद दिला रहे थे, मीनाक्षी दीदी याद दिला रही थी, हमारे डॉक्टर साहब याद दिला दे रहे थे विवेकानंद जी को, जिनको विदेशों में भी अपना लोग अपना सबसे बड़ा हीरो मानते हैं, बंगाल से आने वाले। ममता बनर्जी आपको, हम लोगों को, हम आपको बंगाल को बर्बाद करने की इजाजत नहीं देंगे। अभी ये सभा यहां लगी है, हमारे पापू भी सुन रहे होंगे, बगल में राजघाट में महात्मा गांधी जी की समाधि है। हम यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि बापू भी सुने वो दर्द को, और हम यहाँ इसलिए भी इकट्ठे हुए हैं कि यहाँ एक ऐसा नेता है जो बार बार जा करके ममता बनर्जी से गले मिलता है, लेकिन जब ऐसी बातें होती हैं तो एक बार भी निकल के उनकी बुराई नहीं करता है। अरविंद केजरीवाल को सांप सूंघा है क्या, उसको पता नहीं है कि ममता बनर्जी ने क्या किया, उसको भी आकर के बोलना चाहिए। यहाँ सरकार जिसकी है, जो सीएम बना है, वो भी उसी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। नारंग को भूल जाएंगे क्या हम लोग? नारंग मारा गया इसी शहर में, इसी दिल्ली में वही हुआ जो वहां पे बसीरहाट में रूपा जी हो रहा है। तो ये उपस्थिति, आप सबको धन्यवाद कि आपने हमें यहाँ सबको बुलाने का, आने का मौका दिया। हम इस बात की आप सभी को धन्यवाद देते हुए इस बात का विश्वास दिलाते हैं, हम सभी दोनों हाथ उठा करके प्रतिज्ञा लेते हैं, हम दोनों आप सभी सीनियर्स के सामने प्रतिज्ञा लेते हैं कि जब जब जरूरत पड़ेगी इस देश के लिए हम अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार है, और हम किसी भी व्यक्ति को सर्वधर्म समभाव, हमारा देश सेकुलर देश है, रियल सेकुलरिज्म पे जाएंगे, और हम किसी को भी ऐसा पक्षपात करने की इजाजत नहीं देंगे, ऐसा करने की इजाजत, तुष्टिकरण की इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, मैं धन्यवाद देता हूँ आज के कार्यक्रम में उपस्थित होने का।